फिक्र मत कीजिए, आप बेफिक्र रहिए, कर लो खास बुलबुलन, आपका हाथ किसके साथ है? जब हुजूर पाक ससम की इस मिशन के साथ है, ये उन्हीं का हाथ हम पर है फिर इंशाल्लाह। अना मदीनतुल इल्म व इल्मु बाबा शुभो कमा कल सल्लल्लाहु रफ्त रफ्त जमा लिखर मुकरन ने पानी निजवेल आमीन। बेशक इज्जत एहतराम सूबे कश्मीर साइस्तल कत करें मेही तुम खैर उम्मा, ये फरमोतें पानी तो चु बेहतरीन उम्मा, मगर काम क्या छ अस कित पठे कुन तुम खैर उम्मा उखरजत लिनास तअमरून बिच परान परान, मगर अमली मज अन्ने के नितने ये मिस अप्रिशिएट के बल्कि एंड हिंदे हिसाब करना सीधे, मगर जीजान तो छ पाए के उनके छते थमत बगजे लिया से मुनाफिक आसे साइसे तत शफात निशन दूर त मरहूम यानी तम साइसे तमुक बोयति टाइम रोड कन यनस खड़ा गोंत के अत लायक छ न के बचो साक तालिब इल्म इल्म छ न के। अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का जो प्रोग्राम यहाँ पे मुनक़द हुआ है मरकज़ी दफ्तर में, इसका मरकज़ी मौजू जो था वो शहादत हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मौजू के अनवान पे आज जिन उलमाए किराम और दानिशवर हज़रत ने शिरकत की उसमें खासकर हमारे जो खुसूसी मेहमान थे अल्लामा मौलाना शौकत हुसैन कैंग साहब हैं, और इसके साथ जो मेरे दाएं जानिब हैं रहमतुल आलमीन फाउंडेशन के जो सरबरा हैं शेख फिरदौस साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, और इत्तेहाद मिल्लत जम्मू कश्मीर के जो सरबरा हैं मौलाना मुश्ताक मुहिद्दीन हक नवाज साहब हैं, कारवाने खत्मे नबूवत के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर बशीर साहब हैं, मुस्लिम यूनिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं जावेद अब्बास रिज़वी साहब, और दीगर दानिशवरान हज़रात ने जो शिरकत की हैं। तो ख़ासकर यही पैगाम था मिल्लत के लिए कि हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला ने जो अपनी पूरी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए और इंसानियत के लिए इखलाकियत के लिए जो उन्होंने सरफ़ की हैं, और आखिरी दम तक जो उनकी जो शहादत हुई है वो बकाए इस्लाम बकाए इंसानियत बकाए इखलाकियत पे वो मुनासर थी। तो आज का यही मौजू था कि इस वक्त जो हम आए रोज़ देखते हैं कि हमारे कश्मीर में जो चीज़ें रोनुमा होते जा रहे हैं उनका शायद हमने या कश्मीर की मिल्लत के लोगों ने दानिश्वरों ने सोचा भी नहीं था कभी ख्वाब में नहीं कि क्या ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि हमारी इस वादी गुलपोश में मुसलमानों के दरमियान या कश्मीर के रहने जितने भी यहाँ के फ़िरके हैं या जितने भी मज़ाहिब हैं कि यहाँ पे क्या ऐसा हो सकता है कि अपना एक बाप अपने बेटे को बेटी को कत्ल करे, क्या ऐसा हो सकता है कभी कि यहाँ पे अपना एक बेटा अपनी माँ को कत्ल करे। तो अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हमारे जवान बहनें बेटियाँ जो दिन ब दिन शराब ड्रग एडिक्शन में मुबतला होते जा रहे हैं मगर किसी को टस से मस नहीं होता हो रहा है। तो यही अवेयरनेस यही मैसेज देने के लिए हमने ये आज प्रोग्राम बुलाया है कि हम कारवाने खत्मे नुबूवत इंटरनेशनल के सरबराहान के जितने भी यहाँ के इसके साथ मुंसलिक हैं घर घर करिया करिया गांव गांव तक ये पैगाम पहुंचाया जाए और सबों को मिलके हम मिलके साथ चलें कि ये जो यहाँ के जवानों में नशे की जो लत लगी है इसे किस तरीके से बचा जाए।